नमस्कार भैया बहनों, आज अपन कक्षा पाँचवीं अध्याय एक मछली उछली उसके चौथे भाग में या तीसरे भाग में अपन सीखेंगे महिलाओं का मछली बैंक, है ना। पहले के भाग को अपनों ने अध्ययन कर लिया था, अगले भाग में आगे देखेंगे अपन मछलियों का मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है, फाजिला इसके अध्यक्ष हैं। 20 मछुआरियनों ने मिलकर अपना एक बैंक बनाया, है ना। उन्होंने अपना एक बैंक बनाया, हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती हैं और बैंक में जमा कर देती हैं। मतलब कितनी महिलाएं, कितनी है, 20 महिलाओं ने होकर एक बैंक बनाया। वह क्या करती हैं कि रोज के 25 रुपये हर महीने में बचाती हैं। मतलब हर महीने में जाकर वो 25 रुपये बचाकर अपने बैंक में जाकर जमा कर देती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ नीचे प्रश्न दे रखे हैं, यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है। प्रति माह, अब आप लोगों को पता होगा प्रति माह मतलब एक महीना। अब आपको पता होगा कितनी महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हैं। हर एक महिला कितने रुपए दे रही है एक महीने के लिए, 25 रुपए दे रही हैं। कितने रुपए, 25 रुपए। तो अपन क्या कर देंगे, 20 में 25 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 20 में 25 का गुणा कर देंगे। तो देखेंगे आप लोग किस प्रकार से इसको हल करना है, इसको समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप लोग महिलाएं कितनी हैं, तो 20 महिलाएं। कितनी महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे महिला बराबर, मतलब मान लीजिए 20 महिलाएं हैं तो 20 लिख दी। अब ये महिलाओं की संख्या है, इसमें हर एक महिला जो है वो एक माह में जाकर, एक महीने में जाकर कितने रुपए देती हैं, 25 रुपये। कितने रुपये, 25 रुपये वो देते हैं। तो मान लीजिए 20 महिलाएं हैं, हर एक महिला एक महीने में जाकर 25 रुपये देगी। तो अपन क्या करेंगे, अपने को एक महिला का मालूम है कि एक महिला 25 रुपये दे रही है, तो 20 महिला कितने होंगे टोटल मिला के, इसका गुणा करें। 25 चिक्का पहाड़ा जीरो का बोलेंगे तो जीरो, 25 दूना 50, मतलब एक महीने में कितने रुपये इकट्ठे होंगे, 500 रुपये इकट्ठे होंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा आप लोगों ने 500 रुपये। समझ में आया आप लोगों को, 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को एक साल का पता करना पड़ेगा कि एक साल में कितने रुपये इकट्ठे हो रहे हैं, उस हिसाब से अपन 10 साल का भी ज्ञात कर लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक महीने का निकाल रखा अपने, यहाँ लिख रखा है यह समूह प्रति माह का मतलब होता है कि एक महीना कितना पैसा इकट्ठा करता है। तो अपने को पता चल गया 500 रुपये इकट्ठे करता है। तो अपन सबसे पहले क्या करें, एक माह में कितने रुपए इकट्ठे करना है। तो आप लोगों को पता होगा कि वह एक माह में कितना इकट्ठा कर रही है, 500 रुपए इकट्ठा कर रही है। तो अपने को कितने माह का, एक वर्ष का ज्ञात करना है। तो एक वर्ष वर्ष बराबर कितने होते हैं, 12 माह होते हैं। कितने होते हैं, तो अपन इसमें क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर एक वर्ष का ज्ञात करने के लिए अपन 12 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अपनों ने ऊपर जो रकम दे रखी है 500 रुपये, ये एक माह की है। क्या की है, माह की है। तो ये वाली शब्द जो है 500 रुपये जो है वो माह के हैं, तो यहाँ में भी इसका गुणा जो करेंगे, जिस संख्या का गुणा करेंगे वो भी माह वाली होना चाहिए। तो एक वर्ष एक का गुणा करेंगे 500 ही आ जाएगा, है ना। इसलिए अपन यहाँ पर एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए इसमें 12 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, 12 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, 12 पंजे 60, कितने हो रहे हैं अपने, 6000। ये कितने दिन के हैं, ये कितने वर्ष के हैं, एक माह के। कितने, एक वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं, एक वर्ष की रकम निकाली अपनों ने 6000। अब यहाँ नीचे जाके वो देखेंगे अपन क्या बोला है कि 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब ये एक वर्ष का दे रखा है और अपने को ज्ञात करना है 10 वर्ष का। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे 10 वर्ष है, यहाँ पे एक वर्ष है, मतलब दोनों ही जो हैं वो एक जैसे हैं, एक जैसी राशियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे अपन सीधे 10 का ही गुणा करेंगे। यहाँ 500 रुपये जो दे रखे थे वो एक माह के दे रखे थे, तो सबसे पहले अपनों ने एक वर्ष का ज्ञात किया, तो यहाँ एक का गुणा नहीं किया। जैसे यहाँ पे 10 का गुणा कर रहा हूँ, वैसे यहाँ एक का गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो 500 जो दे रखे थे ये एक माह के दे रखे थे, तो माह में माह का ही गुणा होगा, इसलिए अपनों ने यहाँ एक वर्ष में 12 माह होते, इसलिए 12 का गुणा किया। तो ये 6000 आया। अब 6000 जो आया है वो अपना वो एक वर्ष का आया,
तो ये 6,000 भी एक वर्ष का है और ये 10 जो है ये भी वर्ष है, मतलब दोनों इकाइयाँ एक जैसी, इसलिए यहाँ पे भी गुणा अपन आराम से 10 का ही करेंगे। तो 0 का 10 का पारा 0 बार बोलेंगे, 0 फिर 0 फिर 0 और 10 का पारा 6 बार बोलेंगे, तो 60 कितना है, 60,000 रुपये। मतलब 10 साल में जाकर वो कितने रुपये इकट्ठे कर पाएगी, 60,000 रुपये इकट्ठे कर पाएंगे। आया समझ में आप लोगों को? इसी प्रकार से आगे देखेंगे अभ्यास का समय। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्टे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी, मतलब वो लट्ठे की नाव बनाने के लिए जो पैसे उधार ले रही है वो बैंक से ले रही हैं, और बैंक से उधार लेने पर उसको कुछ थोड़ा सा कर्ज देना होगा, जो ब्याज देना होगा वह उसके साथ में ही देगी। तो देखेंगे पहला सवाल, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया। कितने हजार रुपये का कर्ज लिया? 4,000। उसने 345 रुपये हर महीने एक साल तक वापस दिए, मतलब उसने हर महीने, वहाँ में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने तक 12 बार उसने 345 रुपये हर महीने उसने बैंक को जाकर जमा किए, तो वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? तो अपन यहाँ पे टोटल ज्ञात कर लेंगे। 345 जो है वो एक महीने का दे रही है, तो अपने को एक वर्ष का दे रखा है, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का ज्ञात करेंगे तो अपने को एक वर्ष का भी पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए कर्ज लिया बराबर, कितना लिया कर्ज उसने? 4,000 रुपये ये उसने कर्ज लिया था। वह प्रति माह मतलब हर महीने, प्रति माह बैंक को रुपये दिए बराबर, कितने? 345 रुपये उसने हर माह को बैंक को जमा करवाए, है ना। अब आगे क्या दे रखा था? वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? तो यहाँ पे अपने को पता है एक माह में वो दे रही 345, तो उसने एक वर्ष तक दिए थे ये 345 रुपये जो हैं वो एक वर्ष तक दिए हैं, तो एक वर्ष में जाकर उसने कितने रुपये बैंक को जमा करे हैं ये अपने को ज्ञात करना है। तो आपको पता है यहाँ एक माह का दे रखा है, 345 जो हैं वो एक माह का दे रखा है, और अपने को ज्ञात करना एक वर्ष का। अब आपको पता होगा मैंने यहाँ पे 12 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 345 जो है वो प्रति माह का है, मतलब एक महीने का है, तो अपने को नीचे वाली संख्या भी जो होगी वो भी क्या होगी? महीने वाली होगी। लेकिन यहाँ पे एक साल तक वापस दिए, तो एक साल का मतलब एक का गुणा नहीं होगा, यहाँ पे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए अपन इसमें 12 का गुणा करेंगे। तो देखेंगे 12 5 60 0 हासिल आया, 6 4 4 48 48 और 6 54 54 का 4 हासिल आया, 5 36 36 और 5 41 कितना आया अपना? 4,140 रुपये। मतलब उसने बैंक को कितने रुपये जमा करवाए हैं? बैंक को 4,140 रुपये वापस करेगी। आया समझ में आप लोगों को? मतलब ग्रेसी ने सबसे एक बार और समझ लिया, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए कर्ज लिया था, कितने? 4,000 रुपये का कर्ज लिया था। वह प्रति माह बैंक को रुपये दिए, कितने कितने रुपये दिए? 345 रुपये दिए, और कितने वर्ष तक दिए? एक वर्ष तक, है ना, कितने वर्ष तक? प्रतिमा बैंक को रुपये दिए, कितने? एक वर्ष तक दिए उसने, 345 रुपये हर महीने जाके दिए उसने बैंक में जमा करवाए, और अपने को ज्ञात करना था कि उसने बैंक को कितने रुपये वापस करेगी। तो यहाँ पे अपने क्या, 345 जो है एक महीने का दे रही थी वो, इसी प्रकार से 12 महीनों का ज्ञात किया अपनों ने, तो 4,140 रुपये आए, 1,140 रुपये, मतलब एक वर्ष में जाकर बैंक को वो 4,140 रुपये वापस करेगी। आया समझ में आप लोगों को? इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, जो अगला सवाल जो दे रखा है, झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये
का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया, मतलब 21,000 रुपये उसने कर्ज लिया था। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए, मतलब एक साल जैसे ही होता है उसने कितने 23,500 रुपये एक साल के अंदर उसने दे दिए, लिया 21,000 लेकिन दिया कितना 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया, तो अपने को हर महीने का ज्ञात करना है। यहाँ 12 माह का दे रखा है, उसने बोला ना एक साल में कुल मिलाकर, एक साल मतलब 12 माह में 23,520 रुपये उसने दिए। अब अपने को यहाँ एक महीने में कितने पैसे दिए होंगे ये ज्ञात करना है, तो अनेक महीनों का दे रखा है अपने को एक महीने का ज्ञात करना है, मतलब अनेक वस्तु का मूल्य दे रखा है अपने को एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या होगा यहाँ पे भाग होगा। आया समझ में आप लोगों को? तो देखेंगे सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे झांसी और उसकी बहन ने लट्ठे की नाव खरीदने के लिए कर्ज लिया, बराबर कितना लिया था 21,000 रुपये। आज समझ में आप लोगों को? आगे देखेंगे, एक साल मतलब 12 माह में रुपये वापस किए, बराबर कितने 23,520 रुपये उसने एक वर्ष में जाकर, मतलब 12 माह में उसने 23,520 रुपये जमा कर दिए। आगे पूछा था उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस दिया हुआ, तो उसने हर महीने रुपये दिए, बराबर 23,520 भागित 12, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 23,520 में अपन क्या करेंगे 12 का भाग देंगे, तो 12 के पावर में 23 नहीं आते हैं, उससे छोटी संख्या 12 आती है कितनी बार में, एक बार में, तो 12 घटा देंगे, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब सॉरी 12 के पहाड़ में 11 नहीं आता, इसलिए अपन अगली संख्या कौन सी उतारेंगे, 5 उतारेंगे। 12 के पहाड़े में 115 नहीं आते हैं, उससे छोटी संख्या कौन सी आती है 108, कितने आती है 108, कितने 9 बार में, 12 में की 108 घटा देंगे अपन यहाँ पे 5 में से 8 नहीं जा सकते हैं, तो अपन 15 को क्या बनाएंगे, 5 को 15 बनाएंगे, एक किससे लेगा, इस एक ने इसको एक दे दिया, तो यहाँ 15 बन गया, 15 में से 8 जाएंगे कितना आएंगे यहाँ पे 7, एक इसने इसको दे दिया, यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 जाएंगे तो 0, यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0। आया समझ में आप लोगों को? इसी प्रकार से फिर अगली संख्या उतारेंगे अपन, कौन सी दूसरी, अब यहाँ पे देखेंगे क्या 12 पहाड़ में 72 आते हैं क्या, तो 12 पहाड़ में 72 आते हैं, कितनी बार में आते हैं 12 × 6 = 72, तो ये 72 घटा दिया 0 आया। अब यहाँ पे 1 0 और अपना शेष बचा नीचे उतारा, मतलब एक संख्या बची थी जो नीचे उतारी अपना, उसके बाद भी अपना भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 0 लग जाएगी, तो वह 1 माह में, मतलब प्रति माह में 1,960 रुपये वापस किए। आया समझ में आप लोगों को? इस प्रकार से इन सवालों को अपने को हल करना है। सबसे पहले एक बार और समझ ले, झांसी और उसकी बहन ने लट्ठे की नाव खरीदने के लिए कर्ज लिया, कितने रुपए का कर्ज लिया था 21,000 रुपये का कर्ज लिया था, एक साल मतलब 12 माह में उसने रुपये वापस किए, कितने 23,520, मतलब एक साल में जाकर उसने 23,520 रुपये जमा किए।
उसने हर महीने रुपये दिए। अब हर महीने कितने दिए अपने को ये ज्ञात करना है। तो ये जो 23,520 जो हैं वो एक माह मतलब 12 माह का दे रखा है अपने को, एक माह का ज्ञात करना है। तो यहाँ 23,520 में अपने क्या कर देंगे, 12 का भाग दे देंगे। भाग दिया अपने मतलब क्या है अपना 1960 रुपये, मतलब ये प्रति माह के मतलब हर महीने उसने कितने 1960 12 बार दिए हैं। कितनी बार दिए हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो 12 बार दिए, इसलिए कितने दिए उसने 1960 रुपये प्रति माह रुपये दिए। आया समझ में आप लोगों को। इसी के आगे देखेंगे अन्य और भाग हैं। पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएँ दिन में नाव पर जाती हैं। चीज़ें बदल रही हैं और उसका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है उनको, मतलब इसके साथ साथ में उनको इस कार्य को करने के लिए बस भी मिल गई है। ठीक है, इसके अगले भाग में अपन पढ़ेंगे क्यों न हम मछलियों सुखाने का एक नया कारखाना लगाएं। अब वह कारखाना लगाएंगे उसके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।